नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं साइबर अपराधी की। दो साइबर अपराधी को देवघर पुलिस ने गिरफ्तारी से कई तरह के राज खुले हैं और ये दोनों साइबर अपराधी जिस प्रकार से साइबर क्राइम करता था उनका तरीका भी अजीब तरह का था। आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से साइबर ठगी करता था और ठगी का पैसा जो है किस प्रकार से वो लोग निकालते थे। निकालने का भी तरीका अजीब तरह का है। आपने अभी तक जो भी साइबर अपराधी की गिरफ्तारी देखी होगी उसमें जो भी तरीके बताए होंगे वो तमाम तरीके अलग हैं और आज जो दोनों साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है वो दोनों भी अलग हैं। और ये पूरा मामला देवघर जिला के सोनाराठाड़ी थाना क्षेत्र का है जहां से दो साइबर अपराधी और छोटे लाल रमानी दोनों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मनरेगा से जुड़ा हुआ साइबर क्राइम का काम करता था। मनरेगा के बारे में आप सबने सुना होगा, नरेगा मनरेगा, इसमें मिट्टी मोरम का काम होता है, मिट्टी का काम होता है। गांव में जो भी सड़क हो, डोभा हो या बकरी सेट, पशु सेट, ये तमाम चीज़ों में नरेगा के माध्यम से पैसा आता है और काम होता है लेबर के लिए, खास करके है मिट्टी का काम जो करते हैं उसके लिए। लेकिन इसमें भारी गड़बड़ी हो रहा है, इसका खुलासा आज इस साइबर क्राइम के माध्यम से हुआ, साइबर अपराधी की गिरफ्तारी से हुआ। चूँकि नीतीश कुमार चौधरी के चाचा जो हैं उन्होंने अपना अकाउंट अपने भतीजे को दे रखा था और उनका भतीजा उनका एटीएम और खाता दोनों यूज करता था। जब उनका अकाउंट बंद हो गया, क्लोज कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया बैंक से, उसके बाद वो बैंक गए। बैंक जाने के बाद बताया गया कि आपका अकाउंट होल्ड है, जिसके बाद वो साइबर थाना पहुँच गया। वहाँ गया तो उसे पूछा गया कि आपका अकाउंट क्यों होल्ड हुआ है, अपने बैंक में पूछा तो उन्होंने बताया कि बैंक वाले ने बताया कि आपके अकाउंट से साइबर का पैसा गया हुआ था, आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का पैसा घुसा हुआ था जिसके कारण आपके अकाउंट को होल्ड किया गया। तो साइबर क्राइम का पैसा कैसे गया नरेगा से, तो आज इसी के बारे में हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। चूँकि गांव में ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी ठेकेदार होते हैं, जो भी काम करते हैं, वो अपना काम ले लेते हैं, उसके बाद मशीन से या किसी दूसरे लेबर से काम करा लेते हैं, उसके बाद 10-15 की संख्या में लोगों का अकाउंट ले लेते हैं और लगातार डिमांड कराते रहते हैं। चाहे वो विदेश में भी क्यों ना रहो, लेकिन उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो प्रत्येक सप्ताह हाजिरी बना रहा है कि फलाना आदमी यहाँ पर काम कर रहा है। तो उसी तरह उनके साथ भी हुआ, उनका खाता ले लिए, एटीएम ले लिए गया, उसके बाद उसमें मनरेगा का पैसा जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, गलत तो वो भी था लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, वो कोई जाँच करने वाला है नहीं। लेकिन उसमें क्या था कि नीतीश कुमार चौधरी जो है वो कमीशन पर छोटे लाल रवानी से पैसा लेता था। छोटे लाल रवानी साइबर क्राइम का पैसा उसके अकाउंट में डालता था और वहाँ से पैसा निकासी करके फिर नीतीश कुमार चौधरी उनको देता था और कुछ पैसा वो भी रखता था। लेकिन जब अकाउंट उनका होल्ड हुआ तब ये इस चीज़ की जानकारी उसे हुई और दोनों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन लोगों ने साइबर ठगी कैसे करता था इसके बारे में भी बता देते हैं। चूँकि ये लोग गूगल ऐड का प्रयोग करके तथा गूगल पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के नाम पर लोगों को झांसा देता था। गूगल पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये लोग क्या करते थे, ऑप्टिमाइज करके जहां पर आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल का कस्टमर केयर नंबर सर्च करेंगे वहां पर आपको AD लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपने कभी SBI का टोल फ्री नंबर सर्च किया होगा तो आपको दिखेगा, आपने जैसे गूगल पर सर्च मारिएगा SBI कस्टमर केयर नंबर तो आपको दिखेगा AD लिखा हुआ, उसके बाद SBI. कुछ भी रहेगा और फिर उसमें मोबाइल नंबर रहता, वो मोबाइल नंबर गलत रहता। AD लिखा हुआ है इसका मतलब वो ऐड दे करके, ऑप्टिमाइज करके, पैसा दे करके उसे ऊपर रखने के लिए कहा गया है गूगल से। उसी तरह ये लोग भी करते थे, अपॉइंटमेंट के नाम पर डॉक्टर का फर्जी नंबर, ये लोग खुद का नंबर देते थे। जैसे ही लोग फ़ोन करते थे तो ये लोग अपने झांसे में ले लेता था और फिर ठगी का पैसा नरेगा के माध्यम से, मतलब नरेगा के नाम पर दूसरे के अकाउंट में डालता था और पैसा निकासी कर लेता था। तो आज दोनों को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये साइबर ठगी का एक नया तरीका और नए तरीके से पैसे खपाने का भी ये तरीका था। तो देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, दोनों को गिरफ्तार किया है और इससे बाकी लोग जो हैं वो सावधान होंगे और किसी को भी अपना अकाउंट देंगे तो वो सोच समझ कर, किसी तरह की कोई समस्या भविष्य में ना हो इसलिए किसी को भी अगर आप अकाउंट देते हैं तो आप
पहले जांच पड़ताल कर लें, और फिर एटीएम तो किसी को देने का है ही नहीं, अगर आप दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप भी अपराध कर रहे हैं।